वेलकम बैक टू मैजिकल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और बार फैंटेसी कैफे पे। इस बार हम दूसरा वीडियो लाए हैं फैंटेसी टॉल के ऊपर, एपिसोड नंबर 2 फैंटेसी एजेस के ऊपर। और घर में कुछ काम बराबर चल रहा था तो फिर एक हफ्ता लग गया अगले इस वीडियो को लाने के लिए, और अगला वीडियो हम लाते रहेंगे जल्दी से जल्दी। आज फटाफट वीडियो बनाने का टाइम मिला और वैसे भी आज कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं है, फटाफट बना रहा हूँ। और बैकग्राउंड के लिए प्रॉब्लम होगी जो इस वॉल से मैं बना रहा हूँ, तो इस वॉल पे डार्क कलर नहीं है और सामने की वॉल पे डार्क कलर आ गया। वो जो भी हो, हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम फैंटेसी एजेस मतलब जो एज रेटिंग होती है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और एक एज रेटिंग होती है बुक के अंदर, और बुक्स के अंदर क्या एज रेटिंग होती है और कितनी एज के लिए क्या होता है, और एक एज रेटिंग होती है मूवी के लिए। और मुझे ये टाइटल अच्छा लगा था फैंटेसी एजेस, इसलिए मैंने ये रख दिया। बाकी इतना ज़्यादा इससे कुछ सेंस नहीं मिलता। और बाकी हम आगे बढ़ते हैं बुक्स की एज रेटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले बुक्स की एज रेटिंग आती है, वो होती है MG मतलब मिडिल ग्रेड। मिडिल ग्रेड मतलब जो कोई भी बच्चा उसको 10 से 12 साल की उम्र तक पढ़ सकता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा उस एज को जो 10 से 12 की एज है उसको उसमें मज़ा आएगा। अब जो हैरी पॉटर की पहली, दूसरी और तीसरी बुक और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट, वो सब जो बुक्स हैं वो सब मिडिल ग्रेड की बुक है। और मिडिल ग्रेड मतलब 10 से 12 साल के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को और उसके ऊपर वाले लेवल का और उससे ऊपर वाले उम्र का कोई ना पढ़ सके, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन ये जो है मिडिल ग्रेड 10 से 12 साल के लिए। अब जो दूसरा नंबर आता है वो होता है Y, मेरा फेवरेट है Y मतलब 13 से 19 ईयर्स तक के कोई भी उसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कुछ ज़्यादा वायलेंस नहीं होगा और कुछ भी, मतलब आराम से 13 से 19 साल तक। और जो मैं खुद भी हूँ, और Y के अंदर एक रूल्स होता है कि उसका कैरेक्टर जो होता है उसको भी वही एज होती है, वो एक खुद टीनेजर ही होता है। लेकिन जो Y होती है वो मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि उसके अंदर जो आपको छोटे बच्चे जैसा भी नहीं लगेगा और एकदम बड़े वाला भी नहीं लगेगा, एकदम मिडल में जो आपको मिलता है वो होता है Y यंग अडल्ट। और अब तीसरा नंबर के ऊपर जो होता है न्यू अडल्ट मतलब जो 19-20 साल के लिए। और वैसे यहाँ पर इंडिया में तो बहुत सारे नॉवेल्स मिल जाएंगे, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके अंदर ज़्यादा कुछ रोमांस और वायलेंस हो सकता है। और बाकी होता है अडल्ट 18+, उसके अंदर वायलेंस बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत सारी चीज़ें भी। जो 18+ में सबसे ज़्यादा फेमस है वो है सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। और अब हम आगे बढ़ते हैं मूवीज़ की एज रेटिंग के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है जब आप एक मूवी को देखते हैं। और अगर मैं मूवीज़ के लिए एज रेटिंग, अब जो मूवीज़ के रिव्यू बनाता हूँ उसके अंदर भी एज रेटिंग देता हूँ, तो क्या उसका मतलब है और मतलब एज रेटिंग क्या वो जो शॉर्ट फॉर्म है उसका सब मीनिंग्स बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मूवीज़ के लिए एज रेटिंग है उसमें सबसे पहला आता है PG, और PG मतलब होता है पेरेंटल गाइडेंस। और मतलब 7 साल के ऊपर से कोई भी उसको आराम से देख सकता है अपने मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ। उसके अंदर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, लेकिन अलादीन फिर भी एक PG है और मैंने वीडियो में बात कर दी है। और बाकी जो आगे आता है PG-13, जो जैसे बुक्स के अंदर वो Y होता है वैसे इस मूवीज़ के अंदर PG-13 होता है, मतलब 13 साल के ऊपर कोई भी देख सकता है। जैसे हैरी पॉटर के 3-4 मूवीज़ PG-13 है और ज़्यादातर मूवीज़ सब PG-13 ही होते हैं। मार्वल के कोई भी मूवीज़ देख लीजिए, सब PG-13 होते हैं। R यानी कि रेस्ट्रिक्टेड, तो 15 या 16 साल के नीचे वाले को देखने के लिए रेस्ट्रिक्ट होता है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इट। और उसके आगे आता है उसके भी ऊपर M, मैच्योर वाला मूवी एज रेटिंग, जो जिसके लिए होता है 16-17 साल के लिए कुछ। और उसके आगे आता है R 18+, मतलब M है या कुछ भी बोलो, रेस्ट्रिक्टेड 18+, 18 साल के ऊपर के लिए जो कंटेंट होता है उसके लिए 18+। और फाइनली जो होता है वो G। ये सब बेसिक्स 4 है बता रहा हूँ, बाकी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, फटाफट वीडियो का ख़त्म कर रहा हूँ। और वो आखिरी जो है वो G, जनरल ऑडियंस, इसको कोई भी मतलब कैसे भी देख सकता है, कोई भी साल का। और G के अंदर जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है इत्तेगुरुल गाज़ी,
यूनाइटेड किंगडम में उसको जी दिया गया है और तुर्किस में उसको पीजी दिया गया है। और वो तो हम उसका अगला वीडियो में बताएंगे। जो अगला वाला वीडियो होगा वो एर्तुगरुल गाज़ी का रिव्यू होने वाला है, उसके बाद हैरी पॉटर की पहली बुक्स और मूवीज़ का रिव्यू, और पीकी ब्लाइंडर्स का इंग्लिश में रिव्यू लेने, मतलब इंग्लिश में रिव्यू बनाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक दे देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को फैंटेसी कैफ़े।